जय हिंद दोस्तों। एक्स सर्विसमैन चाहे सर्विंग जवान हो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, इनके लिए कई ऐसी वेलफेयर की स्कीम होती हैं जिससे कि उनको काफ़ी वेलफेयर मिले। लेकिन ये वेलफेयर जितनी स्कीमें होती हैं उसमें ज़्यादातर ऑफिसर उसका फ़ायदा उठाते हैं या फिर डिफेंस सिविलियन उठाते हैं, लेकिन JCU और इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। सर्विंग में होते हैं तब भी नहीं उठा पाते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं उठा पाते हैं। तो ये जो जितनी भी छूटें मिलती हैं एक्स सर्विसमैन को, इसमें से एक की बात मैं करने जा रहा हूँ। इसमें एक्स सर्विसमैन और जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022। आपको छूट मिल सकती है JCO अगर हैं तब भी, ऑफिसर हैं चाहे डिफेंस सिविलियन हो, सबके लिए छूट मिलेगी। क्या है पूरी डिटेल इसमें मिलने वाली, उससे पहले बता दें चैनल में ऐसे ही एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट से वेलफेयर से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। शुरू करें, सबसे पहले देख लेते हैं क्या है वेलफेयर स्कीम। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो भूतपूर्व सैनिक और सैनिकों के लड़के हैं डिपेंडेंट हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकली होती है भर्ती के लिए, जो एडमिशन के लिए स्कूल में पढ़ाई करने के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, उनमें बता दें कि उनके लिए जो भर्ती निकली हुई है ये एडमिशन शुरू हो चुके हैं और इनके आप इधर से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें इनको काफ़ी छूट मिलती है एक्स सर्विसमैन को। तो सबसे पहले तो मैं इसका नोटिफिकेशन में क्लिक करके दिखा देता हूँ क्या है नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन है, इससे आप फॉर्म भर सकते हैं जो भी डिपेंडेंट हैं सैनिक स्कूल के, सैनिक स्कूल में मिलिट्री सैनिक स्कूल में भर्ती होना चाहते हैं यानी कि उधर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको आप लास्ट में जाके आप इधर से सबमिट कर सकते हैं। आई एग्री में करके सबमिट में क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कितनी बेनिफिट मिलेगी JCO और ऑफिसर को। सबसे पहले आप इधर क्लिक करेंगे फी स्ट्रक्चर में। जैसे ही फी स्ट्रक्चर में क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें पूरी फी स्ट्रक्चर आ जाए कितनी फीस लगेगी। बता दें कि JCO को सिर्फ 12,000 रुपये फीस लगेगी, यानी कि 12,000 रुपये JCO को लिए के लिए और कमीशन ऑफिसर के लिए 18,000 रुपये। बता दें कि नॉन इंटाइटलमेंट कैटेगरी के लिए ऑफिसर हैं 32,000 रुपये और सिविलियन है 51,000 रुपये लगेगी। लेकिन जो 51,000 रुपये सिविलियन के लिए लगती है वो OR और JCO के लिए 12,000 रुपये लगेगी। तो काफ़ी इसमें छूट है, यानी कि 28,000 तक JCO OR के लिए छूट है। इसमें जो स्टाफ रहेंगे डिफेंस सिविलियन के उनके लिए 250 रुपये, यानी कि जो मिलिट्री स्कूल में जो स्टाफ हैं उनके बच्चों के लिए 250 रुपये है। तो काफ़ी छूट मिलेगी अगर आप इसमें फॉर्म भर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। इसके फॉर्म भरने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका भी नोटिफिकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं 12th तक पढ़ाई होती है, पढ़ाना चाहें तो इसमें पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।